हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड स्टूडियो में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक है। मैं इस चैनल पर फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के सामने उसका नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप बताया था कि मेरा एक फोटो सोनू सूद सर के साथ स्पाइस जेट एरोप्लेन के ऊपर पब्लिश हुआ है। तो कैसे वो फोटो मेरा वहां पे गया और कैसे मुझे पता चला कि वो फोटो मेरा वहां पे गया हुआ है, तो आज उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा दूं जिसमें मेरा फोटो सोनू सूद सर के साथ में एक प्लेन पे गया हुआ है। तो ये वो वीडियो है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। तो सबसे तो सर, पूरे वीडियो को स्किप करके मैं आपको मेन पार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मेरे फोटोज को दिखाई दिया जा रहा है। ये देख सकते हो आप लोग ये वीडियो पूरा। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोज कुछ लगे हुए हैं उस प्लेन के ऊपर। इन फोटोज में मेरा भी एक फोटो है, जो कि ये सेकंड नंबर वाला फोटो है। अब ये सेकंड वाला जो फोटो देख रहे हो, ये मेरा फोटो है और ये फोटो उस प्लेन के ऊपर है सोनू सूद सर के साथ। आप लोग सोनू सूद सर को जरूर जानते ही होंगे, क्योंकि सोनू सूद सर कोविड के सिचुएशन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों के। तो उसी के हेल्प करने के कारण स्पाइस जेट ने सोनू सूद सर को एक ट्रिब्यूट दिया था, जिसमें सोनू सूद का एक फोटो एक पूरे स्पाइस जेट के प्लेन के ऊपर उनको ट्रिब्यूट के रूप में लगाया गया था। तो ये वो फोटो है जिसमें पूरा सोनू सूद सर का फोटो लगाया हुआ है। उनके साथ में कुछ और भी लोगों के फोटोज को लगाया हुआ है, जिनको दिखाया जा रहा है कि ये लोग उनसे हेल्प लिए हुए, मतलब एज अ ये रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, मतलब कि जस्ट एज अ कॉमन पीपल को ये शो कर रहा है, इस टाइप का फोटो है। और ये जितने भी फोटोज हैं, ये आपको जितने भी फोटोज दिख रहे, ये किसी न किसी स्टॉक वेबसाइट से ही लिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग स्टॉक वेबसाइट पे अपने फोटोज को अपलोड करते हैं, लाइक सटर स्टॉक, आई स्टॉक, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट पे हम लोग अपने फोटोज को अपलोड करते हैं। ये जितने भी फोटोज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये उन्हें किसी न किसी वेबसाइट से लिए हुए हैं। तो आप जा करके चेक कर सकते हो उन वेबसाइट पे, आपको ये फोटोज़ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो मेरा जो फोटो है वो कहाँ से लिया हुआ है, ये पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मेरा ये जो फोटो हुआ है, ये आई स्टॉक वेबसाइट से लिया हुआ है। मैं आप लोगों को मैं वो ओरिजिनल फोटो दिखाता हूँ जिसमें मेरा फोटो वो लिया, जहाँ से वो फोटो लिया गया है। तो ये है वो ओरिजिनल फोटो जहाँ से ये फोटो मेरा वहाँ पर लिया गया है। तो ये फोटो आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हो, ये सेम फोटो है। ये फोटो और इस फोटो में आप लोग मैच कर सकते हो, ये सेम फोटो है जो कि यहाँ से लिया गया है। और वैसे ही जितने भी और भी फोटोज दिख रहे हैं आप लोगों को, वो आई स्टॉक या फिर शटर स्टॉक, इन्हीं किसी वेबसाइट से लिए गए हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि कैसे आपको पता चला कि आपका ही फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि जब ये फोटो यहाँ पे आया था, उस समय इस फोटो के ऊपर, इस जो सोनू सूद के जो फोटो के ऊपर जो न्यूज है, वो सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर दिख रहे थे। अब ये जो पोस्टर है, इसका न्यूज जब सभी भी न्यूज चैनल के ऊपर जा रहे थे, तब मैंने ये फोटोज को नोटिस किया फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट में। तब मैंने जूम करके देखा तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे ही फोटो है। तब मैंने जा करके पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जा करके पता चला कि हाँ, ये फोटो मेरा ही है। उसके बाद से उसके अगले ही दिन ये वीडियो रिलीज हुआ सोनू सूद के उस अकाउंट से। तो वहाँ से मैंने जाकर के ये वीडियो देखा और पूरा जूम करके जब मैंने पता किया, तब पता चला कि ये फोटो हाँ मेरा ही है। उसके बाद से यहाँ पे जितने भी आपको फोटोज दिख रहे, ये सारे फोटोज मैंने सर्च किए और जाकर के मुझे पता चला कि ये सारे फोटोज शटर स्टॉक या फिर आई स्टॉक, इन्हीं किसी वेबसाइट से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग अपने फोटोज को कैसे सर्च कर सकते हो कि आपका फोटोज कहाँ पे यूज हो रहा है। तो उसका सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो पे जाओ। कोई भी मान लो कि मैं एक पोर्टफोलियो पे गया, मान लो मैं ये एक फोटो है शटर स्टॉक के ऊपर, मैं इस फोटो के ऊपर गया। अब मुझे पता करना है कि ये फोटो कहाँ कहाँ यूज हुए। सबसे पहले आपको तो मेनली ये पता नहीं चलेगा कि ये फोटो कहाँ कहाँ यूज हुए, लेकिन इसको पता करने का सबसे ईजिएस्ट वे है जो है वो ये है कि आप लोग इस फोटो के ऊपर जाओ, इस फोटो को सर्च करो और उसके बाद उसको देखो कि कहाँ कहाँ पे ये यूज हुए। उसके लिए आप लोग क्या करना है, इस फोटो पे जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। याद रखें, राइट क्लिक आपको करना है। राइट क्लिक करके आपको लिखा हुआ होगा सर्च गूगल फॉर इमेज। सर्च गूगल फॉर इमेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका जो फोटो है वो
गूगल के ऊपर सर्च किया जाएगा। ये गूगल के ऊपर जैसे ही सर्च किया जाएगा यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फोटो कौन कौन से वेबसाइट पे है। तो यहाँ देख सकते हो स्टॉक वर्ल्ड, ये सब जितने भी वेबसाइट है इनके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये फोटो कौन कौन से वेबसाइट पे है। यहाँ पे आप लोगों को अब दिखाई दिया ये वेबसाइट, ये भी एक वेबसाइट है। housing.com, तो ये जितने भी वेबसाइट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपके वो फोटो यूज किए हुए हैं। तो ये देख सकते हो ये एक वेबसाइट है इंफोकॉम इंडिया, ये इंफोकॉम इंडिया पे आप लोग देख सकते हो इतने सारे फोटो यूज किए हुए हैं, जिसमें एक वो भी फोटो है जो कि मैंने अभी सर्च किया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक देख सकते हो housing.com पे भी आपको वो फोटो एक ब्लॉग में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हो कि आपका फोटो जो है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। मैं उसके बाद मान लो मैं ये फोटो है, इस फोटो को मैंने मुझे सर्च करना है कि ये फोटो कहाँ कहाँ पे यूज हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फोटो को बड़ा करूँगा, उसके बाद सर्च गूगल फॉर इमेज पे जाकर क्लिक करूँगा। सर्च गूगल फॉर इमेज पे जाकर जैसे मैं क्लिक किया उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएंगे जहाँ पे वो फोटोज दिखाई देंगे जहाँ जहाँ वो फोटोज यूज हुए। तो ये देख सकते हो ये टिकटॉक का कोई न्यूज है उस पर है, ये फेसबुक पे है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया पे है। तो ये खुल जाए, हाँ ये देख सकते हो आप लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके एक जो बैनर है उसके ऊपर है। उसके बाद ये टिकटॉक का कोई न्यूज है, उस न्यूज के ऊपर ये फोटो को यूज किया गया है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज है, उसके ऊपर ये फोटो को यूज किया हुआ है। तो जितने भी आप फोटो यहाँ पे देख रहे हो उन सबको जस्ट आपको जाकर के यहाँ सर्च फॉर गूगल फॉर इमेज पे क्लिक करना है, और सर्च गूगल फॉर इमेज पे क्लिक करके आप लोग भी अपने फोटोज को पता कर सकते हो कि कहाँ पे वो फोटोज यूज हुए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, और आप लोगों को भी अगर अपने फोटोज को देखना है कि कहाँ कहाँ पे यूज हुए तो आप लोग ऐसे देख सकते हो अपने फोटोज को। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।